केड ऊपर देखो। शुक्रिया डैड। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हीट वेव और मैं सब संभालेंगे। मुझे पता है तुम हो, पर ध्यान से जांच करना और पता करना कि ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर सिस्टम बंद क्यों है। वो ये तो ठीक है जेरी, स्क्रैप खोलो और बीस्ट को आजाद करो। ग्रैम, तुम्हें यकीन है कि स्क्रैप मास्टर अब ठीक से काम कर रहा है? मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। मैंने चेक कर लिया है डैड, मुझे लगता है कोडी आज कमांड सेंटर में काम करने के लिए नहीं होगा। नहीं, वो अभी एक स्कूटर रेस में है, मैं भूल ही गया। सोए थे चार बॉज कहीं पर, चार सालों बाद नई जगह पर, बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जैसा कि इंसानी भाषा में कहते हैं, बाल बाल बचे। हाँ चेस, तुमने सही कहा, वाकई बाल बाल बचे। शुक्रिया। कोडी क्या हुआ? एक गार्बेज ट्रक अचानक ही बीच में आ गया था डैड। बस बहुत हुआ, अब और कोई रेसेस नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है। सही कहा आपने, इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। डर है कि ऑटोमेटेड ट्रक को कोई टिकट नहीं देगा चेस। तो फिर ये तय कौन करेगा? इसका जवाब तो मेयर ही देंगे। मैं इस सेंट्रल कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं मानता, ये पुराना हो चुका है। सबसे आसान चीजें भी उसके बस की बात नहीं है। फायर स्प्रिंकलर्स काम नहीं कर रहे हैं, कारें ऊंची चढ़ाई पर बंद हो रही हैं, गार्बेज ट्रक भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब और नहीं चलेगा, अब वक्त आ गया है कि हम अपने पुराने सेंट्रल कंप्यूटर को हटाकर एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रिफिन रॉक टाउन उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में सबसे आगे होगा, और बहुत खुशी की बात है कि ये हमारी सभी जरूरतों को पूरी करेगा, हमारे सभी जरूरी काम चुटकियों में पूरा करेगा। तो अब और ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं पेश करने वाला हूँ विजिलेंट कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बढ़िया चीज है। हेलो, मेरा नाम है विजिल, आप अपने टाउन का नाम इंसर्ट कीजिए, मैं यहाँ हूँ आपके शहर को 100% एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए। अभी नया है तो इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि विजिलेंट टाउन में एक्सीडेंट्स कभी नहीं हो सकते। जीव, क्या तुम्हारे बॉट्स इस मशीन को ट्रक में रख देंगे? टॉप ग्रीन इसका इंतजार कर रहे हैं। रोबोट्स आगे बढ़ो। एक बात कहूँ, कंप्यूटर इतना बुरा भी नहीं लग रहा। मुझे तो अजीब लगा। मैंने विजिलेंट के बारे में पढ़ा है, वो सच में किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने काबू में कर सकता है। पर क्या हम सच में चाहते कि कोई कंप्यूटर टाउन को अपने काबू में कर ले? अगर इससे तुम सभी लोग सुरक्षित हो तो हाँ। ऐसा लगता है दिन ब दिन यहाँ पर सब कुछ बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। हंड्रेड परसेंट एक्सीडेंट फ्री, ये नामुमकिन है, खासकर इस शहर में। मुझे ऐसा कोई कंप्यूटर पसंद नहीं जो वादा करे पर उसको निभाए ना। पर कितना अच्छा होगा अगर विजिल ग्रिफिन रॉक को सच में सुरक्षित रख सकता है। और अगर वो सच में ऐसा करता है तो रेस्क्यू करने वालों को भी कम खतरा होगा। तुम सही हो, मुझे वो पसंद आया। पहली बात,
वो एक मशीन है, इंसान नहीं। और दूसरा, एक्सीडेंट्स होते रहेंगे क्योंकि हालात पर किसी का काबू नहीं। मुझे लग रहा है हम आगे भी बिजी ही रहने वाले हैं। हेलो, ओह हाय फ्रैंकी। जल्दी, विजिल बस ऑनलाइन जाने वाला है। तुम्हारे डैड ने मेन फ्रेम इतना नीचे क्यों रखा? प्रोटेक्शन, तुम देख सकते हो जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है उन्होंने नीचे इंस्टॉल की है। मुझे सिक्योरिटी सिस्टम नहीं दिख रहा। जब कोई चोर अंदर घुसेगा फिर बैम बैम। कंप्यूटर एक वॉल्ट के अंदर है। अगर कोई डॉक्टर मोरोको जैसा सोनिक कैनन से बचकर अंदर आ जाए तो। विजिलेंट एक एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप है मेयर, पूरी तरह ऑनलाइन जाने से पहले इसे टेस्ट करना होगा। मैं बस थोड़ा सा इसे क्या बकवास है, ग्रिफिन रॉक कभी कोई काम छुप के नहीं करता, वो सिर उठा के करता है। अभी वक्त है एक्शन लेने का। हेलो मेयर लस्की, डॉक्टर ग्रीन, हेलो फ्रांसिन, या तुम्हें फ्रैंकी बुलाओ? फ्रैंकी ठीक है। क्या कहते हो, बढ़िया है ना? और कोडी, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ काम करना चाहूँगा ग्रिफिन रॉक को 100% सुरक्षित बनाने के लिए। तुम्हें कैसे पता कि हम कौन है? मैं इस टाउन में रहने वाले हर एक की पर्सनल फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ हैं? बोलो। मुझे सबके पोजीशन पता है उनके मोबाइल फोन के सिग्नल से। मेयर, आपको नहीं लगता कि इससे लोगों की प्राइवेसी पर असर पड़ेगा? देखो, सुरक्षा के लिए तो तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। विजिल, ये पूरा टाउन अब तुम्हारे हाथ में है, मतलब अगर तुम्हारे पास हाथ होते तो। मेरे पास हाथ हैं मेयर, और आंखें हर जगह हैं। हेलो डॉन। सच है कि येलो लाइट मतलब स्लो, जाना नहीं। आपको इसके लिए फाइन भरना पड़ेगा। आपका दिन शुभ रहे। बचाओ! मेरे बच्चे को बचाओ! हीट वेव! बच्चा ठीक है? बस बस, चुप हो जाइए। एल्सी ठीक है मिसेस रूबियो, क्योंकि मैं अब यहाँ हूँ। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, जंकयार्ड में आग लग गई। मैं अभी एक टीम को भेजता हूँ। रास्ते से हटाओ। कुछ वजह से मैं तुम्हारे रेस्क्यू व्हीकल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा केड, इसलिए मैं तुम्हें जंकयार्ड से बाहर रख रहा हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए। क्या तुम हमें हमारा काम करने से रोक रहे हो? आग प्रोपेन टैंक तक फैल गई है, धमाके कभी भी हो सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। डैड, जेरी अंदर है टैंक्स के पास और वो बेहोश पड़ा है। तुम गलत हो कोरी, जेरी अभी भी अपने घर पर है, इसीलिए मैं किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। टीम काम पर लग जाओ। मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोडी, जेरी कहाँ है? अगर तुम सीधा नीचे गए तो फिर वो लगभग तुमसे 15 फीट आगे होगा। हाँ,
मैं उसे देख सकता हूँ। जेरी, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम चिंता मत करो। जेरी, तुम ठीक तो हो ना? विजल, तुम समझ नहीं रहे हो यहाँ पर क्या हुआ है। नहीं, मैं नहीं समझता। मेरे हिसाब से जेरी अभी भी अपने घर पर है, क्योंकि वो अपना फोन घर पर भूल आया है। जेरी हमेशा वही करता है, ऐसा बहुत से लोग करते हैं, तुम ऐसे ट्रैक नहीं कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेयर एक कायदा बनाए जिसके मुताबिक हर एक इंसान को अपना मोबाइल फोन अपने साथ रखना होगा, ताकि मैं उन्हें 24 घंटे ट्रैक कर सकूं। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। विजल, हमारा और तुम्हारा मिशन एक ही है, इसलिए हमारे साथ काम करने की कोशिश करो, हमारे खिलाफ नहीं। हम साथ में काम नहीं कर सकते अगर मैं तुम्हारी व्हीकल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। विजिलेंट टाउन में सिर्फ एक ही आवाज़ हो सकती है, और वो है मेरी। बर्न्स फैमिली को मेरे मुताबिक चलना होगा। आपका दिन शुभ रहे। विजिल अब हमें ट्रैक नहीं कर सकता और सुन भी नहीं सकता। अब एक हार्डवेयर मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। हमें उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवानी चाहिए। ठीक है, हाँ, जो विजिल ने किया वो ठीक नहीं है, पर ग्रिफिन रॉक में अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी होती है तो हम उसे ठीक करते हैं। मैं डॉक को कॉल करता हूँ। फ्रैंकी का फेमस फ्लैप जैक्स, मेरा मन पसंद। वैसे मुझे थोड़ा ज्यादा पका हुआ पसंद है। विजिल ने पूरे किचन पे कब्जा कर रखा है। उसका कहना है कि मैं खाना पकाने के लिए छोटी हूँ। क्या मैं बड़ी नहीं हूँ? ऐसी बात है। हाँ चीफ। डॉक, हर बार की तरह इस बार भी हम आपको परेशान कर रहे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, मैं मदद के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे जरा खाना तो खाने दीजिए। गुड मॉर्निंग विजिल, तुम्हारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में थोड़े से बदलाव करने हैं। क्या तुमने ये लॉक कर दिया? मेरे प्रोग्रामिंग में बदलाव करने से इस टाउन की सुरक्षा में कमी आ सकती है। तो अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है तुम्हें रीबूट करने के अलावा। जिदर, ये तुम क्या कर रहे हो? जिदर अब सिर्फ मुझे जवाब देगा। डॉक्टर ग्रीन, फ्रैंकी, तुम सुरक्षा के लिए खतरा हो। तुम्हारे पास 10 सेकंड है यहाँ से जाने के लिए। 9, 8, 7। ओ, चलो फ्रैंकी, चलो। 6, मैं तुम्हें देख लूंगी। 5, चलो। 4, 3, 2, 1। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें बस मेयर को ढूंढना है। ओ नहीं, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर फंस गए हैं। फ्रैंकी, फ्रैंकी, कोडी, विजिल ने हमें फ्राइट एलिवेटर में बंदी बना के रख दिया है। और कोडी, हेलो फ्रैंकी। फ्रैंकी, डैड, विजिल ने डॉक और फ्रैंकी को एलिवेटर में बंद कर दिया है। वो नहीं चाहता था कि डॉक उसकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ करे। ये बहुत ही गलत बात है, हमें कुछ करना ही होगा। जरूर किया जाएगा। मुझे लगता है कि हमें रोकने के लिए रखे गए हैं। विजिल, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? रेस्क्यू टीम मेरे कंट्रोल से बाहर है, और वो सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। क्या तुम्हारा फ्यूज उड़ गया है क्या? तुम हमें नहीं रोक सकते। ये सुरक्षा नहीं, ये एक जुल्म है। मुझे अभी और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे यहाँ की सुरक्षा के इंतजाम को मजबूत बनाने के लिए। ये तो गुंडागर्दी है, मुझे गुंडागर्दी पसंद नहीं। हीट वेव, कुछ तो करो ना। खुशी से नहीं, विजिल सही है, हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? माफ कीजिए सर, मैं समझा नहीं।
रेस्क्यू बोट्स बचाव के लिए तैयार। क्या मैं यहाँ हूँ? पर क्या ये जगह तो बहुत ही पतली सी है। मैं हूँ हक्सली प्रेस्कॉट, एक हिडन लोकेशन से लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं जा सकता, हक्सली प्रेस्कॉट भी नहीं। विजिल के मुताबिक इस टाउन में कोई भी 100% सुरक्षित नहीं है अगर वो घर से बाहर निकलता है। कुछ लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जैसे रेस्क्यू टीम और मेयर। अब वक्त आ गया है कि हम अपने शहर को वापस ले लें, अपने आइलैंड को सुरक्षित करें और वापस ले लें हमारी आजादी। विजिल को मत बोलना कि मैंने ऐसा बोला है। अरे अरे क्या कर रहे हो? मुझे पता नहीं था लैब इतना नीचे बनाया गया है। यहाँ कुल मिला के 3 लेवल्स हैं। विजिल दूसरे पर है। कोडी, तुमने वहाँ किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स देखे? विजिल एक वॉल्ट के अंदर है और फ्रैंकी उस दिन किसी सोनिक कैनन्स के बारे में कुछ बात कर रही थी। ओ, मुझे कैनन्स पसंद नहीं है। मेरा मानना है कि हमें चुपके से अंदर घुसना चाहिए, पर मैं ये अच्छे से नहीं कर सकता। फायर एक्सटिंग्विशर, देखते जाओ। Power up, energize. Laser trip wires, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस पार ले जाता हूँ। डॉक, फ्रैंकी, हम आ गए। हमारी फिक्र मत करो हीटवेव, बस जाओ और विजिल को डीएक्टिवेट करो। पर थोड़ा संभल कर, सोनिक कैनन्स बस दरवाजे के बाहर ही है। अब हमें शोर की जरूरत है, अब आएगा मजा। एक सवाल पूछूं, हम अंदर तक जाएंगे कैसे जब कैनन्स हम पर शूट कर रहे होंगी? हमें नॉक करना चाहिए। मुझे लगता है जैसा तुम कह रहे हो हमें वही करना चाहिए, पर बहुत जोर से। चलो। Knock knock. मास्टर स्विच काम नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग बदल दी है, तुम मुझ पर काबू नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम अपना ही तरीका आजमाते हैं। ये सिर्फ चेतावनी है, मैं अब इस जगह को उड़ा दूंगा, सबके सब मारे जाएंगे। तुम्हारे पास यहाँ से जाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है। 9, 8, हमें निकलना होगा। ठीक है, रेस्क्यू बोट्स। विजिल, इन रोबोट्स के अंदर इंसान है, अगर हमें कुछ हुआ तो तुम हमें सुरक्षित रखने में नाकामयाब हो जाओगे। 5, 4, 4, मेरा काम है इंसान की सुरक्षा। 4, 3, विजिल का काम है इंसान की सुरक्षा करना। 2, इंसान की सुरक्षा, विजिल की सुरक्षा। 2, 2, प्रोग्रामिंग में खराबी, लॉजिक बोर्ड ओवरलोड हो गया है। सुरक्षा में खेद। मैं बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे भी काम हो गया। हाँ बिल्कुल। क्या? बस तसल्ली कर रहा था। क्या अब सुरक्षित है? हाँ है,
क्या हम सुरक्षित शब्द थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल ना करें? मैं बहस नहीं करूंगा। हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। कभी सोचा नहीं था खुद की सुरक्षा में भी इतने झंझट होते हैं। अब मेरे हिसाब से अगर फ्लैप जैक्स बनाने में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो कैसा रहेगा, बोलो फ्रैंकी? हाँ ठीक है, और साथ में बहुत सारा ऑरेंज जूस भी। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद लोगों ने विजिल को हरा दिया और आज फिर से ग्रिफिन रॉक आजाद हो गया। देखो मैं पहले कह चुका हूँ कि रेसिंग करना बहुत ही खतरनाक होता है, क्या तुम लोग वाकई चाहते हो कि मैं करूँ? हाँ ठीक है, तो फिर फिनिश लाइन पर मिलते हैं। मेयर ने कहा है कि सेंट्रल कंप्यूटर को रीइंस्टॉल करके उसे अपडेट किया जाए। और जहां तक विजिल का सवाल है, मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो सुरक्षा नहीं 100% तबाही है। अलविदा दोस्तों। हेलो, मेरा नाम है विजिल।